देख सकते हो बना ली है ढाकू जी। ये देखिए दोस्तों पत्ते को कीच देख सकते हो दोस्तों, नीचे का तो देख सकते हो जल गया है और पक भी गया है दोस्तों, पत्ते जर रहा है मतलब पक चुका है। और ये देख सकते हो दोस्तों दूसरे पार पलटा रही है। हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारा प्यार भरा आप सभी को नमस्ते। तो दोस्तों सुबह हो चुका है और दोस्तों सुबह सुबह ही आज रोटी पकाएंगे दोस्तों, वो भी पत्ते में दोस्तों। देख सकते हो पानी वानी गर्म कर रही है, तो थोड़ा देर गर्म होने देते हैं दोस्तों। ये रहा सराई का पत्ता, तो दोस्तों इसी में पकाएंगे। उधर ले लिए आटा चावल का, तो दोस्तों हो चुका है देख सकते हो, थोड़ा सा ही गर्म कर रहे थे दोस्तों। ये देखिए हो गया गर्म, ये तो दोस्तों डालना स्टार्ट कर चुकी है दोस्तों, देख सकते हो गर्म पानी को। तो दोस्तों गर्म कर लेते हैं तो कुछ अच्छा होता है दोस्तों, पत्ते में भी और नहीं रहता, अभी तो ठंड के सीजन है दोस्तों, इसीलिए अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से डालते हैं, डालो जी, और इतना में हो जाएगा। नहीं थोड़ा और लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं, और डालो। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से डालना स्टार्ट कर चुकी है अभी पत्ते में दोस्तों, देख सकते हो। और मस्त बनता है दोस्तों, ऐसे रोटी खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, और मजा भी आता है दोस्तों ऐसे रोटी खाने में। इधर तो दोस्तों तावा को गर्म कर लेते हैं, और कभी भी बनाते थे तो दोस्तों आग में ही डाल देते थे, आग में भी दोस्तों मस्त पकता था। इधर तावा को गर्म होने देते हैं दोस्तों, और इधर देख सकते हो बना ली है ढाकू जी। पत्ते को कुछ इस तरह से दोस्तों ढक देते हैं, ये देखिए तो ढक दी है, और इसको दोस्तों डाल देगी इसमें, तो दोस्तों देख सकते हो किस तरह से, ये देखिए दोस्तों उसमें डाल दी है। और आग को इसको मस्त जलाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी पकने के लिए दोस्तों। इस रोटी को तो प्यारे दोस्तों थोड़ी देर पकने देते हैं, देख सकते हो दोस्तों नीचे का तो देख सकते हो जल गया है और पक भी गया है दोस्तों, पत्ते जर रहा है मतलब पक चुका है। और ये देख सकते हो दोस्तों दूसरे पार पलटा रही है, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से पलटा लेते हैं, ये देखिए मस्त जर रहा था देख सकते हो, मस्त पक रहा है दोस्तों। ये देखिए जल गया है पत्ता मतलब पक चुका है इस पार, अब इसको पलटी कर दी है दोस्तों देख सकते हो, और थोड़ी देर रहने देते हैं। फाइनली दोस्तों हमारे रोटी तो पक चुका है, देख सकते हो, उतारो जी उतारो। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से है हमारे रोटी, तो देख सकते हो दोस्तों काफी मस्त पका है दोस्तों, देख सकते हो ये देखिए मस्त पका है एकदम फ्रेश दोस्तों, देसी स्टाइल से देख सकते हो मस्त पका है दोस्तों। इसमें ना तेल का जरूरत पड़ता है ना कुछ चीज का, इसमें दोस्तों पत्ते का ही जरूरत पड़ता है दोस्तों। इसको दोस्तों दो टुकड़े में कर रही है दोस्तों, तो दोस्तों इसी को खा के हम लोग जाएंगे दोस्तों आज भी धान कटाई करने के लिए दोस्तों। ये देखिए दो हिस्सों में बांट दी है, तो दोस्तों मुझे दे रही, देख सकते हो दो हिस्सों में करके, ये देखिए दोस्तों दे दी है मुझे, और अपने लिए भी रखी है दोस्तों देख सकते हो। तो दोस्तों खा लेते हैं, और बहुत ही दोस्तों गर्म है, मस्त लगता है दोस्तों, मस्त पका है दोस्तों। अरे देखिए हाउ काफी मस्त बना है दोस्तों, नमक डाल दिए थे इसमें और काफी स्वादिष्ट लग रहा है। तो दोस्तों रोटी को खा लेते हैं, काफी मजा आ रहा है दोस्तों सुबह सुबह ठंड के मौसम में खाने में रोटी। अभी खा रही दोस्तों देख सकते हो आज देती है ज्यादा बोल देने से, तो खा लेते हैं। तो हम आज धान कटाई करने जाएंगे करके बोल ही रहे थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज नहीं जाना है, तो दोस्तों हम तो रोटी वोटी खा लिए। तो दोस्तों आज का इस छोटे से वीडियो को यही तक एंड करते हैं,
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक एंड कमेंट कर देना जी, करोगे ना प्यारे दोस्तों, हो ना हमारे साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को यही तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय प्यारे दोस्तों।